भिलाई नगर में पदस्थ एएसआई उपतेश्वर यादव और नागपुरा चौकी पर पदस्थ यशवंत ठाकुर रविवार को सिविक सेंटर जयंती स्टेडियम में पार्टी कर रहे थे। इसी बीच दोनों में कहासुनी हो गई। इतने में यशवंत ठाकुर ने अपने बेटे को बुलवा लिया। बेटा अपने साथियों के साथ आया और एएसआई गुप्तेश्वर यादव की जमकर पिटाई कर डाली। इसके बाद मौके से फरार भी हो गए। एसपी शलभ सिन्हा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधान आरक्ष यशवंत ठाकुर को प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शाम में सूचना मिली है कि एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल के बीच में कोई मामूली बात पे विवाद हुआ और विवाद के बाद दोनों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें जो हेड कांस्टेबल यशवंत ठाकुर है उसने एएसआई को के साथ काफ़ी मारपीट की है, जिसमें और भी इसने बाहर से लड़कों को बुलाया था। तो इस मामले में को तत्काल संज्ञान में लेते हुए हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है और जो आरोपी पक्ष उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सीएसपी भिलाई नगर से ली जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। ये आपस में ड्यूटी के बाद ये लोग साथ में थे शाम के समय और कोई मामूली विवाद ही हुआ है। एग्जैक्टली क्या कारण है अभी, क्योंकि जो एएसआई है वो घायल है, उनको सेक्टर 9 में भर्ती कराया गया है और हेड कांस्टेबल फरार है। एक बार वो मिल जाते हैं तो उसके बाद फिर पूरी जानकारी बता।